बाय। हम जा रहे हैं दुकान, माँ जो है कार्ड दे रही है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरा एक न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गया है और आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और देखिए इधर सानू क्या खा रही हो बेटा? जंगल खा रही है सानू। चलो हाय करो, हाय करो, कैसे है पूछो, ठीक है ना पूछो। तो फ्रेंड हम मुंह धो के तैयार हैं, अब बनाना है नाश्ता। तो सोच रहे हैं आज बनाएंगे पकौड़ी, तो दिखाते हैं आप सबको भी। ऐसी पकौड़ी बनाए नाश्ता। तो फ्रेंड हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ी, तो वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आप सबको पकौड़ी बनाने का सारा प्रोसेस। सानू का काम देखिए फ्रेंड, किस तरह से पत्ता गोभी का पूरा पत्ता अलग अलग कर ली है। और ये देखिए ये सब भी ये अभी इसको माई को कटवाएंगे, आएगी तब ना, एलर्जी ना। अभी आँख खराब हुआ तो करना नहीं सकेंगे कुछ काम। पर्क खाएगी, पर्क पर्क खाएगी तो है मंच। खोलो ना, खोलो खोलो। कहाँ रे दिखाओ? नहीं नहीं दे दो ताकि क्या है। और भाग रहा था उधर ही, भाग रहा। नहीं कोई लेगा बेटा, खाओ। देखिए सानू जाके कहाँ छुपा रही थी बेटा, हम देखे कहाँ छुपा रही थी तुम। देखिए फ्रेंड प्याज आलू मिर्चा सब रखा हुआ है, कटता है उसके बाद दिखाते हैं आप सबको। ये रहा बेसन, इस पे डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे देखिए मंगरेला अजवाइन, देखिए ये सोडा एक चुटकी। तो फ्रेंड सब चीज डाल दिए हैं, अब प्याज कटेगा तो प्याज मिर्च इस पे डलाएगा। तो दिखाते हैं आपको प्याज कटने के बाद। तो देखिए तब तक से जब तक प्याज नहीं कटा है फ्रेंड दूध आ गया है। दूध एक तरफ गर्म कर देते हैं हम और एक तरफ हो रहा है पानी गर्म। मेरे हस्बैंड जो है गर्म पानी पीते हैं, दुकान ले जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए प्याज मिर्चा आलू सब चीज कट चुका है, हल्का सा पत्ता गोभी भी लगा दिए हैं, सारा चीज इसमें मिला दिए हैं। अब इसका बनाएंगे अच्छा सा बैटर, इसमें डालेंगे पानी। तो फ्रेंड देखिए हमको बनाने नहीं दिए बैटर, बोल रहे हैं कि तेरे से अच्छा हम जानते हैं। कितना साल का एक्सपीरियंस है जी? फ्रेंड पहले मेरा होटल था, अरे पकौड़ी बनाने प्याजी बनाने जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए पकौड़ी बनाने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। तो चलिए आपको हम बना के दिखाते हैं, अगर मजा नहीं आएगा तब बोलिएगा। कोई भी घर के लोग तेवर नहीं है ईगो। तो चलिए आप लोग तेल को गर्म करते हैं, पकौड़ी बना के आप लोग को दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए, पकौड़ी का मजा लीजिए। फ्रेंड देखिए कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, गर्म हो रहा है। और मेरे हस्बैंड का जो है उतना ही भाषण था, वो चल गए नहाने, बनाया उनाया कुछ नहीं। तो तेल हो गया है गरम और इस पे डालते हैं हम। ठीक है, एक नंबर पकौड़ा आज का। एकदम नहीं देखो कहाँ रख रही, चीटी करवाएगी। देखिए पकौड़ी जो है एकदम लाल सुनहरा कलर में हो चुका है, निकालते हैं इसको। फिर से फ्रेंड वही प्रोसेस फिर डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा खिड़की से हवा आ रहा है। तो फ्रेंड्स सारा पकौड़ी बनने के बाद दिखाते हैं आप सबको। पकौड़ी बन गया है और मेरे हस्बैंड खाने लगे हैं, उसको दुकान जाना है इसलिए। तो दिखाते हैं आप सबको और पूछते हैं कैसा लगा। टमाटो केचप के साथ कैसे लग रहा है पकौड़ी? पकौड़ी तो अच्छा है, बस थोड़ा सा सब्जी का नहीं बना पाए, थोड़ा सा लेट होने के चक्कर में, पर पकौड़ी टेस्टी है। कभी आप घर में ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का, पकौड़ी बनाना बड़ा ही आसान है, बड़ा बात नहीं है। तो देखिए खा लिए हैं और जा रहे हैं दुकान, और सानू भी बैठ गई, हम भी जाएंगे बोल के। बाय, हम जा रहे हैं दुकान। पकड़ो पकड़ो, लेट हो रहा है इसको, कौन खोलेगा? चाचू से जाओ, चलो बेटा चलो, आ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, पकड़िए दीपक, पकड़िए तो इसको। हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, छोड़ दो। तो फ्रेंड हम बना लिए हैं पकौड़े, अब पी रहे हैं चाय, फिर मिलते हैं आप लोग से नहा धोआ के, जब पकौड़ी खाएंगे उसके बाद हम भी बताते हैं टेस्ट कैसे बना है आप लोग को। देखिए फ्रेंड हम नहा लिए हैं, नहा धोआ के रेडी भी हो गए हैं, और सानू जो है देखिए अभी तक क्या बनी हुई है मलीज, नहाई धोई नहीं है, झूला में बैठ के कैसे झूल रही है। तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने, बहुत टाइम हो गया, नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता निकाल भी लिए हैं, पकौड़ी है तो देखे ही थे, रात का रोटी था, और अभी पत्तागोभी आलू का सब्जी बनाए हैं। तो पहले हम खा लेते हैं फिर मिलते हैं। हमको टमाटर केचप पसंद नहीं है फ्रेंड, इसीलिए हम टमाटर केचप नहीं लिए हैं। बहुत मजा आ रहा है, बस थोड़ा ठंडा हो गया मेरा खाते तक। तो हम नाश्ता कर लिए फ्रेंड, और उसके बाद सानू को सुला दिए, देखिए सो गई है, और बगल में एक भाभी रहती है तो उसका घर में आग लग गया था, तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ, देखिए हम लोग दो जन जा रहे हैं। अंकित कल इंट्रोडक्शन नहीं कराए थे, तो मेरा बगल में रहते हैं, देवर लगते हैं, अंकित नाम है। तो जा रहे हैं हम लोग देखने क्या हाल है भाभी का किचन का। देखिए फ्रेंड किस तरह से यहाँ पर आग लग गया था, यहाँ पर भाभी जो है कढ़ाई में तेल डाल के धुसका छान के बाबू को टिफिन दी, और यहाँ भूल गई और उसको गाड़ी चढ़ाने चल गई, और आते तक पूरा आग लग गया था। इसीलिए प्लीज आप लोग ऐसे लापरवाही नहीं कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा लापरवाही कारण और भाभी का हाथ भी जल गया है हल्का। अब देखिए कढ़ाई का भी क्या हाल हो गया है, इसमें आधा कढ़ाई तेल था, पूरा जल के चिपक चुका है। तो फ्रेंड आप लोग ऐसा लापरवाही मत कीजिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है गैस सिलेंडर। अगर थोड़ा सा भी और लेट करती तो सिलेंडर जो है ब्लास्ट होने का डर था, पर भगवान बचा लिए, ज्यादा वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम थोड़ी देर के लिए भाभी के पास बैठते हैं। तो आज का ब्लॉग को यहीं तक। तो वीडियो कैसा लगा और पकौड़ी कैसा था, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, बाय बाय।